do. Friends, live update. कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस पर बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूं इस वक्त विद्या मंदिर से, जहां पे थोड़ी देर में मूवी माटी की म्यूजिक लॉन्च जो है वो होने वाली है। 13 जुलाई को ये मूवी रिलीज होने वाली है और इस मूवी में नजर आ रहे हैं नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर आदिल हसन, उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव इस वक्त बातें होने वाली है। आदिल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता। बहुत बढ़िया लगा आपने मुझे बुलाया यहाँ पर बात करने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता ही देना चाहूँगा पूरी टीम को, माटी को लेकर इस वक्त चारों ओर बातें हो रही है। 13 जुलाई को रिलीज होने वाली, करीब कोई एक महीने बाकी है और म्यूजिक लॉन्च में वहाँ पहुँचे हैं। म्यूजिक जो है बहुत ही फोक रखी गई है, कुछ अगर बताना चाहें। मेरे ख्याल से म्यूजिक जो है जो इस फिल्म से जुड़ी हुई है और इसके इसका जो सुगंध है फिल्म का, उस सुगंध के साथ मिला करके म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत बढ़िया संगीत सजाया है और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल, बांग्लादेश से दिखाया गया, ऊपर बांग्ला दिखाया गया, तो बताना चाहेंगे वो एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ थोड़ा शेयर करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप बिरयानी लेकर बातें कर रहे थे सर। नहीं, बिरयानी तो हमारे देश में अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बनता है और ढाका में जो मैंने बिरयानी खाया उससे पहले कलकत्ता में तो काफ़ी सारे हम बिरयानी खाए हैं, तो वहाँ भी मेरे ख्याल से ढाका में बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बिरयानी मैंने खाया। और इस फिल्म के जो फ्लेवर है वो एक्चुअली दो देशों के बीच में या दो लोगों के बीच में दो दिल के करीब आने की कहानी है और बहुत ज़रूरी है आजकल के दुनिया में जहां इसके बात करते हैं, ना कि सिर्फ डिवीजन के बात करते हैं। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, मैंने ऑफिस जब आपके साथ बातें होती सुनने में आया था कि आप इस तरह की मूवी बॉलीवुड में भी नहीं बनती है जहां तक खबर मिल रही है, आपने भी कहा है, आपके फैमिली मेंबर्स भी कह रहे थे, थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ। नहीं, मैं सोचता हूँ कि बॉलीवुड में जो अक्सर जो फिल्में बनती हैं, अच्छी फिल्में बहुत बन रही हैं आजकल, नए नए डायरेक्टर्स आए हैं, जो भी फिल्में बनती हैं वो इतने कमर्शियल ड्रिवन है, मनी ड्रिवन है, तो हम जो इमोशंस लोगों में आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे गुस्सा या सेक्सुअलिटी, वो बेचना बहुत आसान होता है, तो इसलिए उस किस्म के फिल्में बनते हैं। और आजकल एक और सब्जेक्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो भी बहुत बेचा जा रहा है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से इस किस्म के फिल्में बन रहे हैं। लेकिन सचमुच जो फिल्म एक देश को आगे बढ़ा सकता है, भावनाओं को बदल सकते हैं, जो प्रेम के भावनाओं को ला सकते हैं, देश सिर्फ देश के प्रेम नहीं, लोगों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में जो प्रेम ला सकते हैं, उस किस्म की फिल्म बननी चाहिए और वो फिल्म ये 40 लाख लोग आपकी आवाज़ सुनने का, आदिल सर हमारी टीम हमारे स्टेशन में भी आने वाले, उन सभी से कुछ कहते जाइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए और आशा करता हूँ कि फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद, आदिल सर हमारे साथ बातें करेंगे, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल लाइव आप सभी के लिए इस वक्त मैं विद्या मंदिर से, जहाँ पे बस थोड़ी देर में ही म्यूजिक लॉन्च होने वाली है मूवी माटी की। 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्रीक्वेंसी, फ्रेंड्स की, बैक टू स्टूडियो।